नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत भाषा में पंचम जो प्रश्न पत्र है, और जो पंचम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और यह जो प्राचीन संस्कृत साहित्य नाम का जो प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों हमारा, यह एक ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें अब जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारा ग्रंथ है महाकाव्य है विक्रमांक देवचरितम। और यह जो विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य है, इस विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य के रचयिता हैं कवि बिल्हण। और ये जो कवि बिल्हण हैं, इन्होंने विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर यह जो महाकाव्य है वह लिखा हुआ है। तो देखिए, इसका हम 13वां जो श्लोक है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। और जो 13वां श्लोक है, उस 13वें श्लोक में कवि क्या कहते हैं, सहस्र सह संतु विशारदानां वैधर्व लीला निधय प्रबंधा तथापि वैचित्र्य रहस्य लुब्धा श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसु अत्र। क्या कहते हैं कि सहस्र कहते हैं हजारों, और सहस्र सह कहते हैं हजारों संतु माने हों विशारदानां, कि विशारदानां कहते हैं जो विशारद होते हैं, जो क्या है काव्य लिखने में जो कुशल होते हैं। तो विशारद किसको कहते हैं, जो किसी भी कार्य को करने में जो अत्यंत कुशल होता है उसको क्या कहा जाता है, विशारद कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहा है उसने बिल्हण ने कि सहस्र सह संतु विशारदानम वैदर्भ लीला निधय प्रबंधा। तो इसमें क्या बताया है कि जो वैदर्भी रीति होती है और उसका जो वैदर्भी का जो खजाना होता है, उसके जो प्रबंध हैं, जो रचनाएं हैं, वे भले ही सहस्रों हों हजारों हों, और भले ही जो काव्य की रचना करने में जो अत्यंत कुशल कवि होते हैं उनकी यदि हजारों रचनाएं हों, फिर भी तथापि वैचित्र्य रहस्य लुब्धा, कि तथापि फिर भी वैचित्र्य के रहस्य के जो लोभी होते हैं, ऐसे श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसु अत्र, कि श्रद्धां श्रद्धा को विधास्यन्ति करेंगे सचेतसु अत्र, कि जो सचित्र वाले व्यक्ति हैं, सचेतस कहते हैं जो सहृदय व्यक्ति होता है जिसमें सत्वगुण की प्रबलता होती है, या फिर जो काव्य के तत्व को जो जानने वाला व्यक्ति होता है उसके विषय में कवि कहते हैं कि सहस्रशः कहते हैं हजारों संतु माने हों विशारदानम, यानी विशारद होते हैं जो काव्य को लिखने में जो कुशल व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है विशारद। वैधर्व लीला निधय प्रबंधा, कि वैदर्वी जो रीति होती है और उसका जो खजाना होता है, यानी कोई भी प्रबंध काव्य अगर ऐसा हो जो वैधर्वी रीति का खजाना हो, फिर भी तथापि वैचित्र रहस्य लुब्धा, फिर भी विचित्रता के रहस्य के जो लोभी व्यक्ति हैं, जो पाठक हैं, श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसु अत्र, के जो सचित्त वाले अर्थात जो सहृदय पाठक हैं वे फिर भी इस काव्य में श्रद्धा को प्राप्त करेंगे। कवि ने इसमें क्या बताया है कि जो इससे पहले जो श्लोक हमने पढ़ा उसमें बताया था कि वैदर्भी रीति होती है, और वैदर्भी रीति से जो युक्त काव्य होता है, उस वैधर्वी रीति से जो युक्त काव्य है, उस वैधर्वी रीति वाले काव्य में एक गणना जो होती है वो किसकी होती है, विक्रमांक देवचरितम की होती है। अब विक्रमांक देवचरितम के विषय में कवि क्या कहते हैं कि वैसे बहुत से कुशल प्रकांड विद्वान हुए हैं जिन्होंने वैधर्वी रीति को आधार बनाकर अनेक काव्य ग्रंथों को रचा है, फिर भी जो विचित्र रचना का लोभ रखते होंगे, अर्थात जिनका लोभ किस में होगा, विचित्र रचना में होगा, ऐसे जो पाठक हैं वह इस ग्रंथ में क्या कहा है, इस ग्रंथ में श्रद्धा रखेंगे। यानी जो व्यक्ति, जो पाठक वैचित्र का इच्छुक होगा, जो विचित्रता को देखना चाहता होगा, भले ही किसी ग्रंथ में कितनी भी वैदर्वी रीति का प्रयोग हुआ है, किंतु जो पाठक विचित्रता का इच्छुक होगा, जो वैचित्र को देखना चाहता होगा, वह पाठक इस काव्य में श्रद्धा को धारण करेगा। अर्थात वैदर्भी जो रीति है, विदर्भ प्रदेश की रीति, उस रीति से युक्त अनेक काव्य होने पर भी इस काव्य में विचित्रता है, यानी वैचित्र पूर्वक वर्णन है, तो जो पाठक वैचित्र का इच्छुक होगा, जिसका लोभ किस में होगा, वैचित्र में होगा, ऐसा वह पाठक इस काव्य में क्या है, श्रद्धा को धारण करेगा। तो इसमें क्या है, इससे पहले देखिए क्या कहते हैं, कुशल कवियों के द्वारा निर्मित वैदर्भी रीति की
क्रीड़ाओं से भरे हुए हजारों काव्य ग्रंथ भले ही विद्यमान हों, फिर भी वक्रोक्ति के रहस्य के लोलुप सहृदय लोग इस काव्य पर श्रद्धा करेंगे। क्योंकि इससे पहला जो श्लोक था, कवि कह रहे थे कि इसमें हमने वैदर्भी रीति का वर्णन किया है, तो कोई पाठक यह कह सकता है कि वैदर्भी रीति वाले तो अनेक काव्य हैं इस दुनिया में, और वैदर्भी रीति वाले जब अनेक काव्य हैं तो फिर हम बिल्हण विरचित विक्रमांक देव चरितम को ही क्यों पढ़ें। तो इसके बारे में स्वयं ही कवि प्रस्तुत करते हैं अपना तथ्य कि इस दुनिया में अनेक विद्वानों, अनेक कुशल कवियों के द्वारा लिखे हुए अनेक ऐसे काव्य हैं जिनमें वैदर्भी रीति का वर्णन है, किंतु जो व्यक्ति वैचित्र को जानना चाहता है, जो वैचित्र का इच्छुक है, जो वैचित्र का लोभी है, वह व्यक्ति इस बिलहण विरचित विक्रमांक देवचरितम को पढ़ेगा। तो इसमें क्या बताया है कि जो बिलहण है उन्होंने यह बताया कि अगर अन्य काव्य भी विद्यमान है वैदर्भी रीति के, फिर भी इसमें क्या है, बड़े वैचित्रपूर्ण वर्णन किए गए हैं, और इसलिए जो व्यक्ति है, जो पाठक है, वह इस रीति में क्या है, श्रद्धा को प्राप्त करेगा, अर्थात इस काव्य को पढ़ेगा। अब इसमें 13वां जो श्लोक है, जब हम विशेष देखते हैं तो विशेष में क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे छंद, तो आप लिख देंगे इस पद्य में, क्या लिखेंगे, इस पद्य में उपजाति छंद है। कौन सा छंद है, उपजाति छंद है। फिर उसके बाद दूसरा है, अब दूसरा देखेंगे तो ये जो दूसरा इसमें जो दिया हुआ है वह क्या है, व्यतिरेक और काव्य लिंग अलंकार है। कौन सा, आप लिखेंगे इस पद्य में, पद्य में व्यतिरेक और काव्य लिंग अलंकार है, अलंकार है। अब इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और फिर हम पढ़ेंगे इसमें जो व्याकरण टिप्पणियां हैं, और जो व्याकरण टिप्पणी है वे विद्यार्थियों देखिए, ये जो 13वां है हमारा श्लोक, इसकी जो व्याकरण टिप्पणी है देखिए, इसकी व्याकरण टिप्पणियों में पहली जो व्याकरण टिप्पणी है वो है संतु। देखिए ये दिया है संतु, और ये जो संतु है तो आप लिखेंगे अस अस धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन है। फिर उसके बाद है देखिए प्रबंधा है, प्रबंधा आप लिखेंगे प्र उपसर्ग, बंध धातु है, बंध धातु प्लस अप्रत्यय है। इसके बाद देखिए लुब्धा है, तो आप क्या लिखेंगे लुब्धा, तो आप लिखेंगे लुब धातु है प्लस तप्रत्यय है। फिर उसके बाद है विदास्यन्ति, वेधास्यन्ति, तो आप लिखेंगे बी उपसर्ग, धा धातु प्लस लेट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। अब उसके बाद देखिए
फिर आप लिखेंगे रहस्यम, और आप इसमें लिखेंगे रहस्य, धातु है, रहस्य शब्द है और प्लस यत प्रत्यय है। इसके बाद है तथापि, देखिए है तथापि है, और तथापि तो आप लिखेंगे तथा प्लस अपि, और इसमें संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, दीर्घ संधि इसमें, और सूत्र लिख देंगे आप अकह सवर्णे दीर्घ। फिर उसके बाद है देखिए सचेतसु अत्र, ये शब्द लिख लेंगे हम सचेतसु अत्र, तो सचेतसु अत्र है, तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए, ये है सचेतसूत्र, तो आप लिखेंगे सचेतसो प्लस अत्र, और यहाँ संधि हो जाएगी पूर्व रूप। तो इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये जो 14वां श्लोक है इसमें क्या वर्णन करते हैं कवि, कवि बिल्हण कहते हैं कि कुंठत्वम आयाति गुणः कवीनां साहित्य विद्याश्रम वर्जितेषु कुर्याद अनार्द्रेषु किमंगनानां केशेषु कृष्णागरु धूपवाससः। देखिए क्या कहा है इसमें कवि ने कि कुंठत्वम आयाति गुणः कवीनां, कि कुंठत्वम कहते हैं कुंठा, आयाति आ जाती है, क्या कहते हैं कुंठत्वम आयाति यानी कुंठा आ जाती है, क्या कहते हैं कुंठत्वम आयाति गुणः, गुण यानी कुंठत्व का, कुंठा का गुण आयाति आ जाता है कवीनां कवियों में, यानी जो कवि होते हैं उनमें क्या है कुंठत्व का गुण आ जाता है, और कब साहित्य विद्या श्रम वर्जितेषु, कि साहित्य रूपी जो विद्या होती है उसमें अगर कोई श्रम नहीं करता है, उसमें अगर कोई मेहनत नहीं करता है तो उन कवियों में क्या है कुंठा आ जाती है, यानी जो उनमें कवित्व होता है, और कवित्व का एक आवश्यक गुण होता है अभ्यास करना, अगर कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है फिर भी क्या है, फिर क्या होता है उसका जो कवित्व होता है उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है। यही बताया कवि ने कि कुंठत्वम आयाति गुण, यानी जो कुंठत्व का गुण है वह आ जाता है कवीनाम कवियों के साहित्य विद्या श्रम वर्जितेषु, यानी कवि जब साहित्य में श्रम नहीं करते, साहित्य की विद्या में श्रम नहीं करते हैं तो उनमें क्या है कुंठत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और कुर्याद अनार्द्रेषु, कुर्याद माने करेगा, अनार्द्रेषु कहते हैं जो गीले नहीं हैं ऐसे, किम अंगनानाम केशेषु, किम माने क्या, अंगनानाम केशेषु स्त्रियों के बालों में, कृष्णाग्रु धूपवाससः कि कृष्णाग्रु धूपवाससः कहते हैं कि जो धूप होती है वो एक सौंदर्य विशेष की वस्तु होती है जिसमें सुगंध आती है, और जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सौंदर्य के लिए जो गीले बाल होते स्नान करने के बाद स्त्रियां क्या करती हैं कि अपने जो गीले बाल होते हैं उनमें धूप देती, जिससे क्या है वह जो बाल हैं वो सुगंधित बने रहते हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि कुंठत्वम आयाति, कुंठता आ जाती है कवीनाम यानी कवियों में कुंठता का गुण उत्पन्न हो जाता है, कब साहित्य विद्या श्रम वर्जितेषु, कि अगर कवि साहित्य की विद्या में अगर श्रम नहीं करता है तो उसका उसका जो काव्य होता है, काव्यत्व होता है, काव्य का जो ज्ञान होता है उसमें कुंठा आ जाती है। और फिर यहाँ पर क्या किया इसने एक दृष्टांत दिया है
कि स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां स्नान करने के बाद अपने बालों में क्या है धूप देती थीं पहले, और उससे क्या है वो बाल सुगंधित हो जाते थे। तो ये सुगंधित एक द्रव्य है जो अगरू दिया है। तो कवि क्या कहता है कि अगर स्त्रियों के जो बाल हैं वो है अगर सूख जाएं और उनमें अगर धूप दें तो उससे बाल सुगंधित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से जो कवि काव्य में श्रम नहीं करता है तो उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है, उसका काव्य उतना प्रभावशील नहीं होता है। कैसे? जिस प्रकार से सूखे हुए स्त्री के बाल धूप के द्वारा सुगंधित नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से जो कवि साहित्य विद्या में श्रम नहीं करता है वह उसका काव्य भी क्या है प्रभावशाली नहीं होता है, उसमें भी क्या है कुंठत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कहते हैं देखिए कि साहित्य विद्या अर्थात काव्य शास्त्र में परिश्रम से रहित व्यक्तियों में कवियों के गुण कुंठित हो जाता है, सुंदर स्त्रियों के सूखे बालों में काले अगरू की धूप सुगंध क्या कर सकती है। तो इसमें यही बताया है कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं यानी जो काव्य तो करते हैं लेकिन काव्य में श्रम नहीं करते हैं तो उनमें क्या है कुंठत्व का गुण विद्यमान हो जाता है, और उस कुंठत्व के कारण से उनका काव्य किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। कैसे? जैसे क्या है इसमें कहा है कुर्याद अनार्द्रेशु किमंगनानां केशेषु, कि अनार्द्र कहते हैं जो गीले नहीं होते हैं और अंगना कहते हैं स्त्रियों के, यानी स्त्रियों के अगर गीले बाल नहीं हों तो उनमें जिस प्रकार से धूप कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, उसी प्रकार से जिस कवि ने विद्या में साहित्य विद्या में श्रम करना बंद कर दिया है उस कवि का काव्य भी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है एक दृष्टांत दिया गया है स्त्रियों के बालों का। तो आप सबसे पहले तो जब विशेष लिखेंगे तो आप लिख देंगे इस पद्य में उपजाति छंद है, फिर उसके बाद जो दूसरा लिख देंगे इस पद्य में दृष्टांत अलंकार है, और फिर देखिए व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थी आपको क्या करना है देखिए कुंठत्वम है, जैसे एक तो है कुंठत्वम, ठीक है, तो आप लिखेंगे कुंठ प्लस त्व प्रत्यय। फिर है देखिए आयाति, तो आप लिखेंगे आ उपसर्ग सर्ग या धातु, और फिर आप लिख देंगे लट लकार, क्या लिख देंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद है तीसरा इसमें, तो देखिए अनार्द्रा है, और इसमें आप लिख देंगे देखिए न आद्राह न आद्राह, तो यहाँ लिख देंगे नय समास। फिर उसके बाद देखिए चौथा है अंगना, अंगना है तो आप लिखेंगे अंग शब्द है, और अंग शब्द है और नांग प्रत्यय है, ठीक है। फिर देखिए कृष्ण अगरू है, ये शब्द लिख देंगे आप कृष्ण प्लस अगरू, क्या लिख देंगे कृष्ण प्लस अगरू, और आपके यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर आप छठ में वो लिख देंगे देखिए ये शब्द लिख देंगे केशेषु, आप लिखेंगे केश शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और फिर देखिए यहाँ भी लिखेंगे दीर्घ संधि हो जाएगी। कवि नाम लिखेंगे आप तो कवि शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इस प्रकार से इसमें आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए यह है, तो क्या कहते हैं इसमें कभी आगे कि प्रौढ़ी प्रकर्षेण पुराण रीति व्यतिक्रम श्लाघ्यतम पदानाम अत्युन्नति स्फोटित कंचुकानी बंद्यानी कांता कुछ मंडलानी। देखिए क्या कहते हैं कि प्रौढ़ी प्रकर्षेण यानी प्रौढ़ी के प्रकार से प्रौढ़ता दिखाने के लिए, क्या कहा प्रौढ़ी प्रकर्षण यानी प्रौढ़ता दिखाने के लिए प्रौढ़ी के प्रकर्ष से पुराण रीति व्यतिक्रम। पुराण रीति कहते हैं जो पुरानी रीति होती है उसका अगर कोई व्यतिक्रम करता है, अर्थात जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसका कोई अतिक्रमण कर देता है तो श्लाघ्यतम पदानाम, तो वह क्या है श्लाघ्यतम है, अत्यंत प्रशंसनीय है। इसमें क्या बताया कि प्रौढ़ी प्रकर्षण, प्रौढ़ी प्रकर्ष कहते हैं अगर प्रौढ़ी के कारण से प्रौढ़ता दिखाने के लिए पुराण रीति व्यतिक्रम, अगर कोई पुराण कहते हैं अगर प्राचीन कोई रीति चली आ रही है, प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है और उसका अगर व्यतिक्रम हो जाए, अर्थात अगर कोई पुरानी परंपरा को निभाता नहीं है उसका अतिक्रमण कर देता है तो श्लाघ्यतम वह श्लाघ्यतम होता है, प्रशंसनीय होता है पदानाम पदों का। यानी अगर कोई प्रौढ़ी दिखाना चाहता है, अगर प्रौढ़ता दिखाना चाहता है और अगर कोई रीति पदों की चली आ रही है उसका अगर व्युत्क्रम कर देता है, व्युत्क्रम कर देता है तो यह भी क्या है एक प्रशंसनीय चीज है। क्यों कि अत्युन्नति स्फोटित कंचुकानी के अति उन्नति, अति कहते हैं अत्यधिक, उन्नति कहते हैं बढ़े हुए, कंचुकानी, कंचुकानी कहते हैं वस्त्रों को, बंद्यानी कांता कुंच मंडलानी यानी कांताओं के, स्त्रियों के, सुंदर स्त्रियों के जो कुछ होते हैं वह अगर अत्यंत उन्नत होते हैं और उससे अगर ये जो कंचुक हैं जो वस्त्र हैं वह भी फट जाएं तो भी तो क्या है प्रशंसनीय होते हैं। तो इसलिए बताया है कि अगर कोई प्रौढ़ी को प्रदर्शित करना चाहता है और प्रौढ़ी अगर प्रसन्न बताना चाहता है कोई और पदों की जो रीति चली आ रही है उस पदों की रीति का अगर कोई अतिक्रमण करता है तो वह चीज़ भी कैसी होती है प्रशंसा के योग्य होती है। कैसे जैसे कांता कुछ मंडल होते हैं, अर्थात स्त्रियों के यदि क्या कहा कांता जो कुछ होते हैं, कांता कुछ से तात्पर्य है जो स्त्रियों के स्तन होते हैं वे स्तन मंडल जो होते हैं, और अगर कंचुकानी, कंचुकानी कहते हैं जो कंचुक होते हैं इनको अत्युन्नति स्फोटित यानी जो अत्युन्नत जो स्तन होते हैं स्त्रियों के वह अगर कंचुकों को वस्त्रों को अगर विदीर्ण कर देते हैं तो भी क्या है स्फोटित दिया फाड़ देना विदीर्ण कर देना तो भी क्या है वह अत्यंत प्रशंसनीय होते हैं। उसी प्रकार से अगर पदों की रीति का कोई कभी प्रौढ़ता दिखाने के लिए व्युत्क्रमण कर देता है तो वह अत्यंत प्रशंसनीय होता है। कैसे जिस प्रकार से कांता कुछ अत्युन्नत होने पर वस्त्रों को विदीर्ण कर देते हैं फिर भी वह प्रशंसनीय होते हैं, उसी प्रकार से ऐसे कवि का काव्य भी प्रशंसनीय होता है जो कवि प्रौढ़ता दिखाने के लिए जो पदों की रीति होती है उसका व्यतिक्रमण कर देता है। देखिए क्या कहते हैं कि प्रौढ़ी के आधिक्य के कारण पदों का पुरानी परंपरा का उल्लंघन करना अत्यंत श्लाघ्य है। जैसे अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण चोली को फाड़ डालने वाले स्त्रियों के कुछ मंडल भी प्रशंसनीय होते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि अगर कोई कभी प्रौढ़ता दिखाता है और उस पदों का व्यतिक्रमण कर देता है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय होता है। कैसे कांता के कुछ मंडल की तरह। अब देखिए आपको पता है कांता कुचों का इसमें उदाहरण दिया गया है तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि जो छंद है छंद लिख देंगे हम उपजाति है, और फिर कांता कुछ का इसमें उदाहरण दिया गया है तो हमारा अलंकार हो जाएगा कौन सा दृष्टांत अलंकार। फिर उसके बाद जब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी में तो देखिए ये है श्लाघ्यतम, ये शब्द है आपका श्लाघ्यतम, तो इसमें आप लिखेंगे श्लाघ्य तम, तो आप लिखेंगे श्लाघ्य प्लस तम, ठीक है।
इसके बाद जब दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे वह क्या लिखेंगे आप, प्रौढ़ी प्रकर्षण, प्रौढ़ी प्रकर्षण, तो आप लिखेंगे प्रौढ़ प्रकर्ष, प्रौढ़ प्रकर्ष, तो आप लिख देंगे इसमें तत्पुरुष समास है। और फिर उसके बाद देखिए आगे आप चलते हैं तो इसमें क्या है, कांता कुछ मंडलानी है, कांता कुछ मंडलानी, ये कोट कर लेंगे और आप लिखेंगे कांता, कांतायाह कुछ मंडलानी। और इसमें आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए अति उन्नति है तो यहाँ पर क्या है आपकी यण संधि हो जाए, ये अति प्लस उन्नति। फिर उसके बाद देखिए पदानाम है, पद शब्द हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से बंद्यानी है तो बंद्य शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और फिर देखिए इस प्रकार से क्या है, इसमें व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे विद्यार्थियों। और व्याकरण टिप्पणी लिखने के बाद इसी प्रकार से आगे जो हमारे प्रसंग हैं, आगे वाली जो व्याख्या हैं उनको हम तैयार कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।